हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीडीसी रेसिपीज। आज मैं आपको राइस फ्लावर हलवा बनाना बताऊंगी, जो कि उत्तराखंड की बहुत ही फेमस स्वीट डिश है। ये राइस फ्लावर और ड्राई फ्रूट्स से बनेगा। इसे कहते हैं शाही राइस फ्लावर हलवा। देखिए, ये बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस डिश है। आप देखेंगे ये इतनी जल्दी बन जाती है और इतनी यमी लगती है कि आप इसे जरूर बार बार बनाना पसंद करेंगे। आइए देखते हैं ये कैसे बने। आज हम राइस फ्लावर पेस्ट से हलवा बनाने वाले हैं। तो हमने ये राइस पेस्ट ले लिया है। ये मैंने 2 कप राइस को पहले सोक करके, देन इसे स्ट्रेन करके एंड देन ग्राइंड करके ये पेस्ट बना लिया है। अब हम अपनी गैस को जलाएंगे फुल फ्लेम में, और कढ़ाई रखी है। अब हम कढ़ाई गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। देखिए, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं घी को किसी भी कुकिंग ऑयल से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। घी से हलवा टेस्ट भी बनेगा और स्टिक भी नहीं करेगा कढ़ाई पे। देखिए, अब ये मेल्ट हो गया है। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट का मिक्सचर डालेंगे, जो मैंने 1/2 कप ले रखा है, जिसमें ऑलमंड, वॉलनट और पिस्ता को छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है। इसे हम जो है थोड़ी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे और हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम अपना राइस पेस्ट इस पर डाल देंगे। पूरा राइस पेस्ट हम इसमें खाली कर देंगे और इसको हम देखिए सेट होने के लिए 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे बिना हिलाए। देखिए, सेट हो रहा है। देखिए, अब ये अच्छे से सेट हो चुका है। हम इसको ऐसे करके घुमाएंगे तो ये पूरा एक साथ ही एज अ होल घूमेगा, तो इसका मतलब ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे टर्न करते हुए मिक्स कर लेंगे। हमें इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करके हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में बनाना है। इसे हम ऐसे ही प्रेस करते हुए हम इसे मैश करेंगे तो ये छोटे पीसेस में ब्रेक होगा। हमारी गैस अभी मीडियम फ्लेम में है। इसे हम छोटे छोटे पीसेस में हम ब्रेक करेंगे। आप इसको कंटिन्यूस इसे चलाते हुए अपने स्पैटुला से इसको प्रेस करिए तो ये छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। जितने छोटे पीसेस होंगे उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो चुका है। इसकी क्वांटिटी भी अब ज़्यादा दिख रही है। अब हम अपने स्वीट डिश में थोड़ा सा केसर डालेंगे। हमने 1 टेबलस्पून मिल्क में थोड़ा सा केसर को सोक करके रखा था, वही हमने इसमें अपना मिल्क डाल दिया है। देखिए कितना अच्छा इससे कलर आ रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। खाने में हलवे का टेस्ट वाह बढ़ जाता है। अब हम इसमें थोड़ी सी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी डालेंगे। छोटी इलायची पाउडर है ये, इससे जो है खाने में खुशबू भी आती है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। देखिए, अब हमारा हलवा लगभग तैयार होने की तरफ जा रहा है। इसका क्वांटिटी आपको देख रही होगी कितनी बढ़ गई है। इसमें हम शुगर पाउडर डालेंगे। हम ग्रेन्यूल्स नहीं डालते हैं, नहीं तो वो हार्ड हमारे मुँह पर लगते हैं। तो ये मैंने जो है शुगर 1/2 कप शुगर को पाउडर बना के रखा है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो शुगर की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। शुगर की जगह आप इस स्टेज में जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जैगरी पाउडर न्यूट्रिटिव भी होती है, वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इसमें आयरन होता है और स्टमक के लिए भी वो बहुत अच्छी होती है। आज मैंने अपनी बेटी के डिमांड पर ये शुगर में ही बनाई है। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून किशमिश ऐड कर दिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अब हमारी ये शाही स्वीट डिश तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बोल में निकाल लेंगे। बस ये अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, उत्तराखंड की स्वीट डिश, जिसे उत्तराखंड में शाही कहते हैं, खाने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। ये कितनी यमी दिख रही है। जितनी ये यमी दिख रही है, उससे भी ज़्यादा ये खाने में डिलीशियस एंड यमी है। इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे हैं, उसे स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा।
इसे आप मेरे कहने पे ज़रूर बनाइए और खा के मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट पे एक और हेल्दी डिश लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय, हेल्दी रहिए।